वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज 5 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो मैथमेटिक्स का तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनके अकॉर्डिंग है ना सभी शिफ्टों में है ना ईजी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके अनुसार है ना आगे भी ईजी क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से देख लेना फिर भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे डिटरमिनेंट से आया हुआ था। इस सारणिक का मान पूछ रहा था क्या होगा। तो सारणिक का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को यहाँ से आप प्लस कर दोगे तो यहाँ से देखिए दो रो का क्या वैल्यू एक समान हो जाएगी, तो इसका मान कितना जाएगा 0। यानी इस प्रकार से कर लो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को प्लस कर दो और उस थर्ड रो में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो के सभी अवयवों का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं है ये किस प्रकार था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन पूछा गया था आईटा, ठीक है, आईटा है आईटा की पावर एन प्लस आईटा की पावर एन प्लस वन प्लस आईटा की पावर एन प्लस थ्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ से आईटा की पावर एन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस आईटा क्यूब। यहाँ से आईटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस के आईटा। ठीक है, यहाँ से माइनस के आईटा रखेंगे तो माइनस के आईटा प्लस के आईटा यहाँ से कट हो जाएगा, क्या जाएगा आईटा की पावर एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से था डिग्री पूछी थी हमें इस क्वेश्चन की, तो डिग्री इस क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, आप एक बार गौर करना कि यहाँ से देखिए आपको तीनों शिफ्ट अभी तक 4 शिफ्ट हो चुकी है, तो चारों शिफ्टों में ना आपको डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, डिग्री और कोटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें स्क्वायर रूट पूछा था किसका, 5 माइनस के बोलो आईटा का। तो इसका किस प्रकार करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, यहाँ से रूट मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस आईटा क्या मॉड ऑफ जेड माइनस माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 13 प्लस 5 अपॉन 2। इसी प्रकार माइनस आईटा रूट 13 माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू पूछी थी। ये दिए दोनों मैट्रिक्स इक्वेस्ट हुए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक अक्ष का डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हैं सेक अक्ष का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पूछा था हमें, क्या पूछा था, 1/√4 माइनस 9x² का इंटीग्रेशन पूछा था। इसका क्या हो जाएगा, सेम देखें 9 कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स के रूप में बन जाएगा, साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए, तो अक्स अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 2/3 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस सी, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स 2x। इसका हमें क्या पूछा था, डोमेन पूछा था, साइन इनवर्स 2x। ठीक है, इसका आप डोमेन फाइंड कर सकते हो। इसका डोमेन होगा -1/2 से +1/2 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉस की पावर फोर माइनस साइन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको करने के लिए यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन पूछा था। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स माइनस 1/x की पावर 18 का मिडिल पॉइंट पूछा था हमें, तो इसका मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, 19 क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 2 हो जाएगा ना, +1।
एटीन और एट्टीन में वन जोड़ देंगे, फिर प्लस वन कर देंगे एक आगे का पद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से टेन, तो इसका दसवां पद है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिए, इसमें नाभिलंब की हमें क्या पूछा, नाभिलंब की लंबाई पूछा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टू बी स्क्वायर अपोन ए, ठीक है, टू बी स्क्वायर अपोन ए। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 75, टू क्रॉस 75 अपॉन 10, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, यहाँ से देखिए ये 5 आ गया, इसे यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इसकी क्या पूछा था, रेंज पूछा था, तो इसकी रेंज कितनी रहेगी बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से क्या कर लेंगे हम, जो हाईएस्ट वैल्यू ना उसमें से क्या कर देंगे, लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी हमें क्या पूछा था, डिफ्रेंशिएशन पूछा था, इसका क्या हो जाएगा, पहले साइन एक्स का कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएशन पूछा था, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x और दूसरी बार करेंगे तो माइनस के 1/x2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीन चारों शिफ्टों में। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पूछा था कोट स्क्वायर एक्स, अब डायरेक्ट हम कोट स्क्वायर एक्स का फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर कोस एक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि दो पासों को 5 उछालने पर अंकों का योग कितना है, 5, तो उसके अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5 आने की प्रायिकता 4 अपॉन 36, ठीक है, यहाँ से 1/9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव 1 - n² अपॉन समीशन एन, तो यहाँ से हम इसको किस प्रकार करेंगे, समीशन एन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ऊपर वाले में एन स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ पे 1 - 1/n, सॉरी, ठीक है, इस प्रकार बच जाएगा ये अपॉन, यहाँ से समीशन एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रह देंगे, तो लास्ट हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। आज मेरे को बस इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे, 20-25 जितने भी, मैं उनको आपको सभी को बता दूंगा सोल्व करके, तो आप बने रहे हमारे चैनल पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आप यदि आगे के शिफ्ट के और भी पेपर का सॉल्यूशन विथ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन विथ पाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना।